आधी रात 3 दिसंबर 1971 विशाखापट्टनम हार्बर। एक भयानक विस्फोट की आवाज ने उस शांत रात की खामोशी को चकनाचूर कर दिया और स्थानीय लोगों को आतंक के माहौल में डाल दिया। इतना ही नहीं, विस्फोट से तट के किनारे कुछ इमारतों की खिड़की के शीशे भी टुकड़े टुकड़े हो गए। ये स्पष्ट था कि वे भीषण आवाज बंदरगाह के पूर्व में समुद्र से आई थी। गौरतलब बात यह है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करके बस कुछ ही घंटे गुजरे थे। ज्यादातर लोगों ने सोचा कि युद्ध के हिस्से के रूप में उन पर हमला किया जा रहा है। हालांकि बाद में इस सनसनीखेज बात का पर्दाफाश हुआ कि विस्फोट के पीछे भारतीय नौसेना का ही हाथ था। इस विस्फोट की आवाज भारतीय विमान वाहक बोट INS विक्रांत को फंसाने के लिए विशाखापट्टनम हार्बर के बाहर इंतजार कर रही पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बी PNS गाजी पर भारतीय नौसेना के विध्वंसक INS राजपूत की धुनाई से हुई थी। मतलब शिकारी ही स्वयं शिकार बनाया गया। इस वीडियो में हम ये रोमांचक कहानी देख सकते हैं कि कैसे विक्रांत के लिए बनाए गए जाल में भारतीय सेना ने गाजी को फंसाया। विशाल भारत को दो भागों में विभाजित करते हुए अंग्रेजों ने भारत को कभी न सूखने वाला घाव देकर छोड़ दिया, भारत और पाकिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान विशाल भारत को दो हिस्सों में बांटकर अंग्रेज ऐसा एक घाव पहुंचाकर ही भारत से रवाना हुए जो कभी सुखाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के भी दो हिस्से थे, भारत की दाई ओर पूर्वी पाकिस्तान तथा बाई ओर पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन सत्तारूढ़ी सिरे का केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को एक कॉलोनी प्रांत की तरह देखा गया था। इसके खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में जनता के गुस्से की लहर उठ रही थी। 1970 तक ये अपने चरम पर थी। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने उस वर्ष 6 दिसंबर को हुई पाकिस्तान के आम चुनाव में अधिकांश सीटें जीती। लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों को बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं था। इसके खिलाफ मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूरे पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। नवंबर 1971 के पहले सप्ताह से पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति बहुत खराब थी। वहां पर एक भारतीय सैन्य कार्रवाई की उम्मीद में पाकिस्तानी नेतृत्व ने इसका मुकाबला करने की योजना बनाई और अपने सैनिकों को हाई अलर्ट जारी किया। लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा परेशान करने वाली खबर दिन ब दिन पूर्वी पाकिस्तान से आ रही थी। महत्वपूर्ण रूप से पाकिस्तानी नौसैनिक पनडुब्बी बेड़े में असंख्य बंगाली नाविकों ने भारत का पक्ष लिया। ये पूर्वी पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के पाकिस्तानी नौसेना के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका था। मौजूदा स्थिति को गंभीरता से लेते हुए भारतीय नौसेना ने पहले ही बंगाल की खाड़ी में अपने विमान वाहक पोत INS विक्रांत के नेतृत्व में एक मजबूत नौसैनिक बल तैनात कर दिया था। ये इतना सफल रहा कि पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले जहाजों का बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करना असंभव था। इस तरह की पूरी नौसैनिक नाकाबंदी ने पूर्वी पाकिस्तान में तैनात 3 सैन्य गुटों के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। पाकिस्तानी सेना अच्छी तरह से जानती थी कि अगर युद्ध पर्याप्त आपूर्ति या समर्थन के बिना आगे बढ़ता है तो उनकी हार आसन्न थी। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए उनके पास एक ही विकल्प था, भारतीय नौसेना के गौरवशाली INS विक्रांत को नष्ट करना। पाकिस्तान नौसेना के तत्कालीन प्रमुख वाइस एडमिरल मुजफ्फर हसन ने गणना की कि अगर विक्रांत नष्ट हो गया तो न केवल भारतीय घेराबंदी को उठाया जा सकता था बल्कि भारतीय नौसेना का मुकाबला कमजोर हो जाएगा और उन्हें हरा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान नौसेना संचालन विभाग से किसी भी कीमत पर INS विक्रांत को नष्ट करने की योजना के साथ आने को कहा। वाइस एडमिरल हसन ने अपनी प्रमुख पनडुब्बी PNS गाजी को ये कर्तव्य सौंपने का फैसला किया। उस समय पाकिस्तान नेवी की सबसे बड़ी पनडुब्बी PNS गाजी, जो कि टेंच क्लास की थी, पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से सेंटो सैन्य समझौते के तहत खरीदी थी। 1570 टन वजनी और 95 मीटर लंबी इस विशाल पनडुब्बी का संचालन 93 नाविकों की एक टीम ने किया था। इससे जुड़ा ब्रास 2 सोनार बहुत दूर के लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम था। इसके अलावा 28 हेवी वेट टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए ट्यूब भी PNS गाजी में जुड़ी हुई थी। इन सभी विशेषताओं ने PNS गाजी को एशिया की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी बना दिया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 नवंबर 1971 की मध्य रात्रि में
PNS गाजी को कराची हार्बर के अपने गृह बंदरगाह से बंगाल की खाड़ी में INS विक्रांत की तलाश में रवाना किया गया। इस पनडुब्बी को दो निर्देश दिए गए थे। पहला, INS विक्रांत और उसके अनुरक्षकों को खोजें और नष्ट करें। दूसरा, विशाखापट्टनम के बंदरगाह के बाहर बारूदी सुरंगों को बिखेर कर जहाजों को नष्ट कर दें, जहां भारतीय नौसेना के जहाजों के पुनर्पूर्ति के लिए आने की संभावना है। उन्हें पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख द्वारा दोनों लक्ष्यों को पूरा किए बिना कराची नहीं लौटने का निर्देश दिया गया था। दरअसल PNS गाजी का दौरा एक आत्मघाती मिशन था, लेकिन भारतीय नौसेना PNS गाजी की तैनाती पर नजर रखे हुए थी, इसलिए भारतीय नौसेना ने पाक पनडुब्बी को खोजने और नष्ट करने के उद्देश्य से अरब सागर में विशेष युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तैनात किया। निर्णय इस निष्कर्ष पर आधारित था कि अत्यंत खतरनाक PNS गाजी पश्चिम और पूर्व में भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। भारतीय नौसेना की आंखों में धूल डालकर कराची से हजारों समुद्री मील दूर बंगाल की खाड़ी तक PNS गाजी की यात्रा कभी आसान नहीं थी। अरब सागर के माध्यम से मध्य भाग, जहां भारतीय जहाजों की अनुपस्थिति निर्धारित की गई थी, दक्षिण की ओर बढ़ना और श्रीलंका के पूर्व से भारतीय तट के साथ अधिकतम PNS गाजी की यात्रा कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया था। PNS गाजी ने ठीक यही यात्रा मार्ग अपनाया। हालांकि तमिलनाडु में भारतीय नौसेना सिग्नल स्टेशन पर गाजी के संचार संकेतों को टेप किए जाने के बाद नौसेना खुफिया निदेशालय ने दक्षिणी हिंद महासागर में एक पाक पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाया। उन्होंने तुरंत नई दिल्ली स्थित मुख्यालय को सूचना भेजी। भारतीय नौसेना उस समय जानती थी कि दुश्मन के नौसैनिक बेड़े के पास केवल एक ही पनडुब्बी है जो पाकिस्तान के तट से इतनी दूर यात्रा करने में सक्षम है। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान से भारतीय पक्ष में आए बंगाली सबमरीनर्स ने भारतीय खुफिया को गाजी के बारे में सारी जानकारियां दी। गाजी की मौजूदगी की पुष्टि के साथ ही भारतीय नौसेना ने न सिर्फ बंगाल की खाड़ी में अपने जहाजों को अलर्ट जारी किया, बल्कि पाक पनडुब्बी की तलाश भी तेज कर दी। लेकिन पूर्वी नौसेना कमान के कमांडर वाइस एडमिरल NK कृष्णन ने गणना की कि गाजी का अंतिम लक्ष्य विक्रांत होगा, इसलिए मद्रास के बंदरगाह में रह रहे विक्रांत को सुरक्षित अंडमान सागर में स्थानांतरित कर दिया गया। अंडमान सागर जो एक लेगून पानी है जिसमें पनडुब्बियां कभी नहीं छुप सकती, इस मामले में उन्हें भारतीय नौसेना का चीफ एडमिरल SM नामित किया गया था। नंदा को भी प्रभावशाली समर्थन प्राप्त था। फिर नवंबर 1971 के अंतिम सप्ताह में मद्रास के पूर्व से समुद्र में गश्त लगा रहे एक भारतीय नौसेना के जहाज को उनके संचार ट्रांसमीटरों पर एक रेडियो संदेश प्राप्त हुआ। ये गाजी द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव बंदरगाह पर भेजा गया एक जरूरी संदेश था, जिसमें पनडुब्बियों में एक विशेष प्रकार के स्नेहक का उपयोग करने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में PNS गाजी की मौजूदगी की पुष्टि हुई। नौसेना प्रमुख एडमिरल नंदा ने वाइस एडमिरल कृष्णन को गाजी को फंसाने का निर्देश दिया। ये बेहद खतरनाक पनडुब्बी अगर बंगाल की खाड़ी में कुछ दिन ही रह जाती तो भारतीय जहाजों को बड़ा खतरा हो सकता था, इसलिए भारतीय नौसेना ने आगे उत्तर की ओर बढ़ने से पहले गाजी को फंसाने का फैसला किया। वाइस एडमिरल NK कृष्णन और टीम द्वारा तैयार किया गया एक बहुत ही चतुर जाल, गाजी को विशाखापट्टनम के तट पर फंसाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत ने एक पुराना विध्वंसक तैयार किया, जिसे डी कमीशन करने के लिए विशाखापट्टनम लाया गया था। INS राजपूत नाम के इस जहाज को भारत ने 1948 में ब्रिटेन से खरीद लिया था, लेकिन ये पनडुब्बी रोधी मिशन के लिए 21 टॉरपीडो और 70 डेप्थ चार्ज सहित सभी उपकरणों के साथ एक जहाज था। अगला कदम था राजपूत के रेडियो कक्ष से बंगाल की खाड़ी में INS विक्रांत के रूप में अन्य भारतीय जहाजों को नकली रेडियो संदेश भेजना। इन संदेशों को वास्तविक संदेशों के रूप में लेते हुए गाजी के नाविक विक्रांत पर हमला करने के लिए विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर पहुंच गए। 25 नवंबर 1971 को मद्रास के पूर्वी तट पर PNS गाजी द्वारा दक्षिणी भारत में स्थित भारतीय नौसेना के संचार खुफिया टावरों की खोज की गई थी। इस स्थान का पता नौसैनिक खुफिया ने तब लगाया जब गाजी का कराची के अपने गृह बंदरगाह पर भेजे गए एक रेडियो संदेश को इंटरसेप्ट किया।
गाजी का संदेश था कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम के बंदरगाह में है और वे मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सूचना के बाद भारतीय नौसेना के विशेष पनडुब्बी रोधी युद्ध कार्य बल ने मद्रास और विशाखापट्टनम के तटों पर व्यापक तलाशी ली और बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में शिकार की तलाश जारी रखी। एक हफ्ते की तलाशी के बाद भी भारतीय नौसेना के जहाज कामयाब नहीं हो पाए। साथ ही साथ उन्होंने तटों को छोड़ दिया और गहरे समुद्र तक अपनी खोज का विस्तार किया, लेकिन PNS गाजी भारतीय जहाजों की नजरों के बिना विशाखापट्टनम के तट पर दुबका हुआ था। हिंद महासागर क्षेत्र में इन सभी घटनाओं के बीच पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 की शाम को भारत पर हवाई हमला किया, जो युद्ध अब तक अप्रत्यक्ष था अब से स्पष्ट हो गया। इसके बाद विशाखापट्टनम स्थित नौसेना की पूर्वी कमान ने बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभियानों के लिए अपने सभी जहाजों को तैनात करने का फैसला किया, लेकिन गाजी की मौजूदगी अभी भी विशाखापट्टनम के तट पर ही थी। ये मानकर हर कदम बड़ी सावधानी से लिया गया। पूर्वी नौसेना कमान ने उस दिन आधी रात तक जहाजों को बंदरगाह से बाहर लाने का फैसला किया। वाइस एडमिरल कृष्णन की रणनीतिक खांसी को बहकाने के लिए पीड़ित को पहले रखना था। उन्होंने इस मिशन के लिए INS राजपूत को चुना। राजपूत के कमांडर इन चीफ कैप्टन इंद्र सिंह को बुलाया गया और गाजी की निकटता की व्याख्या करने और जहाज में ईंधन भरने के तुरंत बाद बंदरगाह छोड़ने का सुझाव दिया। कार्यक्रम के अनुसार ईंधन भरने और रोशनी और अन्य नेविगेशन सिस्टम बंद करने के बाद INS राजपूत आधी रात को विशाखापट्टनम हार्बर से बाहर निकल गया। राजपूत तब विमान वाहक द्वारा प्रेषित भारी प्रसारण शुरू करके यात्रा कर रहे थे। इस समय PNS गाजी बंदरगाह के बाहर के क्षेत्र में खदानों को बिखेर कर अपने परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। सुरक्षा कारणों से सभी सिग्नल बंद कर दिए गए थे और इसलिए पनडुब्बी पेरिस्कोपिक गहराई तक गई और बंदरगाह की निगरानी कर रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक विध्वंसक तेज गति में उनकी ओर आ रहा है। गाजी जल्दी से समुद्र में डूब गया और गहराई में छिपने की कोशिश की, लेकिन जब राजपूत नाले के बाहर आया तो उन्होंने अपने सामने पानी में तेज हलचल देखी और उस ओर दौड़ पड़े। इसे गाजी मानकर कप्तान ने जल्द ही डेप्थ चार्ज का इस्तेमाल किया। डेप्थ चार्ज में से एक गाजी के सामने टर्बिडो रूम में फट गया। परिणाम एक भयंकर विस्फोट था। उस भीषण विस्फोट में राजपूत को भी कुछ नुकसान हुआ था। पल भर में ही गाजी को बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में एक जल समाधि मिल गई। उस समय एशिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी की प्रतिष्ठा में भारतीय नौसैनिक शक्ति को चुनौती देने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची गाजी आज भी अपने अधूरे सपनों के साथ समुद्र तल पर पड़ी है। एक समय चूक विध्वंसक का सहारा लेकर गाजी जैसी परिष्कृत पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए हमारे नौसैनिक नेतृत्व द्वारा तैयार की गई युद्ध रणनीति की प्रशंसा की जानी चाहिए। गाजी का पतन, जिसे पाकिस्तान अभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, यही भारतीय नौसेना की चकाचौंध और चमत्कार जैसी युद्ध जीत में से एक है। जय हिंद।